नमस्कार खांटी ओडिया रेसीपी चैनल को आपण स्वागत। आज मुझे ओडिया अति प्रिय पखाल को नहीं गोटे सज पखाल थाली नहीं आसी तेब थाली को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने प्रथम थर पर मो चैनल को देखुं और चैनल टी यही सब्सक्राइब करना तेब चैनल को सब्सक्राइब करनी छोट बेल आइकन को क्लिक करनी जहाद्वारा आप नुआ वीडियोस रो नोटिफिकेशन पाई तेब आसन देखिए आज थाली सज पखाळ बनेया पई प्रथमे आमे भात प्रस्तुत करिबा। भात को बनेया समय आमे गरम भात पई भात को जेतिकी नरम करिकी रांधंती पखाळ भात पई ताठारु टिके अधिक नरम करिकी रांधिबा। भात प्रस्तुत होइगला परे भात को गाळिबा समय रे एहार पेज को पूरा अलगा करिबे नाही एहिपरि अल्प पेज रखिकी गाळिबे जहाद्वारा पखाळ भात रो स्वाद बहुत बढ़िया आसीथाय। जदि आपण अरुआ भात रे सज पखाळ प्रस्तुत करछंती तेबे आपण भात को अत्यधिक नरम करिकी रांधिबेनी। यह सहित भात गाळिबा समय एथरे बेसी पेज रखिबेनी नचेत पखाळ भात एकदम पेजो पेजुआ लागिबो एहार स्वाद बिल्कुल भी भल लागिबो नाही। एबे आमे एथरे पानी मिसेबा भात जेमिति पूरा पानी रे बुड़ी कि रहिबो आपण सेही हिसाब रे एथरे पानी पकेबे। भात रे पानी मिसे सेरिया परे गोटे भात जाली साहाज्य रे किमा हाथ रे एहाको भल भाव रे प्रथमे मिसे नबा ओ एहाको एही परे अधा घोड़े कि गोटे घंटा पई एही परे आमे छाड़ देबा। एकदम सठिक और स्वादिष्ट सज पखाळ खाइबापाई हेले भात को प्रस्तुत कर सारिया परे आपण एहाकु 45 मिनिट रु गोटे घंटा पई पानी रे एही परि भिजेकी रखिबे जहाद्वारा भातर गोटे गोटे दाना पानी को बहुत भल भाव सोक करिया सहित भात रे थिबा रेजिस्टेंस स्टार्च पानी रे धीरे धीरे मिसिकी गोटे स्वादिष्ट तोराणी प्रस्तुत होबा सांगे सांगे एहा डाइजेशन रे मध्ये सहाय्य करिवो। गोटे घंटा परे एठि मो पखाळ को गोटे कंसरे बाढ़ी नेछि ये पखाळ रे एपर्यंत आम किसी भी मिसई ना तथापि आप पखाळ तोराणी को देखिकी जाणीपारे जे ये पखाळ के स्वादिष्ट बनी थी। पखाळ को खाइबा पूर्व एमें स्वाद अनुसार किसी लुण मिसेबा सज पखाळ स्वाद को आउ टे बढ़ावाई ये मुझे 2 चामच दही नहीं दही जेहेतु बेस खटा ना तेणु मुझे फाड़े लेंबू जदि आप खटा दे नौ तेज आपू पकार कौन आवश्यकता ना तेब ये पखाळ को खाइबा पूर्व आपण लेंबू को चिपुड़ी ने दही को भल भाव मिसेकी पखाळ को खाईपर ये सज पखाळ थाली रे प्रथमे नहीं बेसर भजा और बेसर भजा रे बनई चिकेन बेसर भजा तेब चिकेन बेसर भजार भिडियोटी मो चैनल रे मो आगुरु अपलोड करी जदि आपण माने से भिडियो को देखी तेब आपण एही रेसीपी को स्किप करी थाली रो अन्य रेसीपी गुडी देखिपारे। चिकेन बेसर भजा पे ये मुझे अधा के जी स्किनलेस मीडियम साइज रा चिकेन नहीं मैरिनेट करवा तेब चिकेन रो मैरिनेशन पे ये मुझे 2 चामच फ्रेश बसा दही नहीं जहाँ स्वाद रे बेसी खट्टा नुहे एबे आमे एथरे 1.5 चामच अदा रसुण बटा पकेबा। यार बेसर मसला को प्रस्तुत करने ये मुझे नहीं 2 चामच सोरिष गोटे चामच गोटा जीरा अधा चामच गोटा धनिया और गोटे टी स्पून गोलमरीच एबे आमे एथरे अल्प पानी देखी हाकु चिकन करके बाटी नबा। प्रस्तुत कर बेसर मसला एथरे 2 चामच पकेया सहित स्वाद अनुसार लुण लंका गुंड हलदी गुंड को पकेबा जेहेतु ये मो राग पई गोलमरीचर व्यवहार करी आग को आमे एथरे कंचा लंका मध्ये पकेबा तेणु चिकेन रंग पई केवल मो एठी काश्मीरी लंका गुंड व्यवहार करी जदि आपण मानको अत्यधिक राग पसंद तेबे आपण राग लंका गुंड मध्ये पकेई परिबे। एबे आमे एथरे 2.5-3 चामच सोरिष तेल को पके याकु भल भाव मिसे नबा। चिकेन को सब सामग्री सहित भल भाव मिसी सारिया पर यह आम अधा घंटा 45 मिनिट पर मैरिनेट होगा रखिद कि समय पर आम गैस को ऑन करी गोटे कुकिंग पैन को गरम करवा। कुकिंग पैन गरम होगा आम मैरिनेट कर रखि चिकेन को एथरे दे या 2-3 थर भल भाव चल और गैस फ्लेम को पूरा लो रे रखी यह घोड़ेकी आम 3-4 मिनिट पर यह कुक करवा। चिकेन को मैरिनेट करिया समय जेहेतु आम एथरे सोरिष तेल व्यवहार करते और चिकेन रही रेसीपीटी खूब कम तेल प्रस्तुत होता है तेणु कुकिंग पैन गरम होगा पर एथरे मु डायरेक्ट मैरिनेटेड चिकेन को पकई देछि 3-4 मिनिट पर लो फ्लेम रे कुक हेला देखु चिकेन रु टिके टिके पानी बाहर आरंभ हो और चिकेन रु तेल पूरा अलग हो जाए यह आउ थे भल भाव चल यह आउ थे घोड़ेकी चिकेन सीझा जाए यह आम भाजवा। चिकेन बेसर भजारे चिकेन मैरिनेशन भूमिका बहुत जरूरी और मुख्य अटे खासकर यही रेसीपी रे चिकेन मैरिनेशन टाइम चिकेन कुकिंग टाइम ठारू अधिक कारण आम चिकेन को जिते भल भाव और जिते अधिक समय पर मैरिनेट करवा चिकेन व्यवहार होता सब सामग्री गुड़ी चिकेन रतिट पीस बहुत भल भाव एब्जर्व करने सहित
चिकेन को नरम स्वादिष्ट और जल्दी प्रस्तुत होवाई सा चिकेन बेसर भजार आम पिज और टमाटर व्यवहार करना सहित जो दही पकई बिल्कुल पाणिया नुहे और चिकेन बेस पा बाहरी ना तेणु आपण यह चिकेन को घोड़े की आरंभ शेष जाए एकदम लो फ्लेम कुक करेंगे और चिकेन सीझा जाएपर मझे मझे चलिए भाजबे जेपर आम जेकोसी पर भजा को बनवा समय पर सीझापी यार ढाकुणी को बंद कर मझे मझे ढाकुणी को खोली टी चले ठीक से हीपरी चिकेन बेसर भजा को बनवा समय चिकेन सीझापी यार ढाकुणी को बंद करे और मझे मझे यार ढाकुणी को खोली चिकेन सीझा जाए यह मझे मझे चलिए भाजबे देखते ये चिकेन जीक भाजी हो चली चिकेन व्यवहार होता सब मसलार रंग चेंज हो चली प्राय 15 मिनट पर एकदम लो फ्लेम कुक है चिकेन बहुत भल भाव सीझा सहित चिकेन बेसर भजा आमर ये प्रस्तुत हो जाए स्वाद अनुसार किसी कटा कंचा लंका और किसी भृसंग पत्र को पकेबा और यार ढाकुणी को आउ थे घोड़े मात्र 2 मिनिट पर कुक करवा बेसर मसला बनवा समय जेहेतु मुझे धनिया व्यवहार करी तेणु मुझे शेष को एथेर धनिया पत्र पके नहीं और धनिया पत्र बदल में कंचा लंका और भृसंग पत्र व्यवहार कर यहाँ चिकेन बेसर भजार स्वाद बहुत मात्रा रे बढ़ी दुई मिनिट पर आम गैस फ्लेम को ऑफ कर देबा यार ढाकुणी को घोड़े यहाँ किसी समय पर छाड़ी देबा जिते बड़े यार ढाकुणी को घोड़े आम यहाँ किसी समय पर छाड़ा से भितर स्टीम क्रिएट हे और कुकिंग पैन में लगी हाल्का हाल्का मसला सब आपे आपे बाहरी आसो ते प्रस्तुत हो चिकेन बेसर भजा पखाड़ को जितेबाला आपण चिकेन सहित कंबाइन कर चिकेन जेहेतु टी हेवी होता है तेणु आपड़ थाली में बहुत बेस साइड डिश रखे और जहाँ भी ने चिकेन ठार् लाइट रखिए कि स्वादर भरपूर एकदम देशी शैली में प्रस्तुत करेंगे परवर्त सैड डिश्टी नहीं आम ओडियांर अति प्रिय पोड़ा बैगण चकटा पाग पोड़ा बैगण चकटापी प्रथम बैगण को भल भाव धोई सारापर यह पोछ नवा और बैगण उपरपर कि चीरा लगे ना चीरा लगे समय बैगनटी भितर सफा अच्छे कि ना थे चेक कर सारापर यहपर कि तेल लगे ना तेल लगे द्वारा बैगन पोड़ सारापर यार चोपा आराम बाहरी आसे एवं आम गैस स्टोव को अन कर गोटे स्टैंड को रखी यहाँ बैगन को थोई बैगन को चारितरफर लेटे कि पोड़ा जपरी बैगनटी भितर पर्यंत भल भाव सीझीज बैगन को पोड़ सारापर आपण यह किसी समय पर थंडा हाँप छाड़देवे बैगन टी थंडा है आपण यार चोपा को यहीपर छड़े ने बर्तमान आम यहपर भल भाव चकटी ना आम एवाद अनुसार लुण पकेबा कि कटा पिज पकेबा और स्वाद अनुसार किसी कटा कंचा लंका पकेबा पोड़ा बैगन चकटार मुख्य सामग्री मानने कंचा सोरस तेल जहाद्वारा पोड़ा बैगन चकटार स्वाद बहुत बढ़िया आसी थाए बर्तमान एम गोटे बड़ चामच ए पकेबा कंचा सोरस तेल को पकवापर आम यह हाथ में भल भाव मिसई ना यहपर कि कटा धनिया पत्र को दे गार्निश कर नवा बर्तमान आम प्रस्तुत करवा पिज शाग पिठ भजा ये पिठ भजा को बनवाप गोटे कप अरुआ चाउल को भल भाव धोई सारापर एढ़ कप पा देक यहाँ गोटे घंटापी भिजे नहीं आम पिज शाग को भल भाव धोई सारापर यहपर चूना चूना कर अरुआ चाउल भल भाव बतरी गलापर आम ए 5-6 कला रसुण छोट खंडे अदा गोटे टी स्पून गोटा जीरा और स्वाद अनुसार कंचा लंका को पकई खूब कम पा देक आम चिकण करके बर्तमान प्रस्तुत कर पिठ को काटिकी रखि पिज शागर आम स्वाद अनुसार कि लुण पकेबा और स्वाद अनुसार टिके लंका गुंड और अल्प हलदी गुंड को दे यहाँ भल भाव मिसई ना ये पिज शाग पिठ भजा बनवाप आपण पिठ को एकदम पतला बनइबे ना ठीक यहीपर रखिए पिठ भजा बनवाप गोटे तावा कि कुकिंग पैन में सोरस तेल को गरम करवा तेल भल भाव गरम हो गलापर आम पिज शाग बरा गुड़ी बसई ना गैस फ्लेम को लो मीडियम रखी पिज बरा गुड़िक गोटे सैड्रु भल भाव सीझा जाए यह आम 3-4 मिनिट भाजवा पिज बरा गुड़िक गोटे सैड्रु भल भाव भाजी हो गलापर आम यहाँ लेटे ना यार एपट सैड को 3-4 मिनिट लो मीडियम फ्लेम भाजवा पिज शाग पिठ भजा ये आम दुई तरफ बहुत भल भाव भाजी हो जाए आसन देखा आज थाली लास्ट रेसीपी
ଯେକୌଣସି ଖଟା ଚକଟା ପାଗ ବିନା ଆମର ପଖାଳ ଥାଳି ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଥାଳିରେ ନେଇଛି ଟଭା ବା କାନ୍ଧିଆ ଚକଟା ପାଗ। ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଧିଆର ଉପର ଓ ଭିତର ଚପାକୁ ମୁଁ ସଫା କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 3-4 କଳା ରସୁଣ ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପକାଇବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡା ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି। ଏ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଧିଆ ଚକଟା ପାଗର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଟଭା ବା କାନ୍ଧିଆ ଚକଟା ପାଗ। ଚିକେନ୍ ବେସର ଭଜା ସହିତ ପୋଡ଼ା ବାଇଗଣ ଚକଟା ପାଗ ବା ଭର୍ତ୍ତା, ପିଆଜ ଶାଗ ପିଠଉ ଭଜା ଓ କାନ୍ଧିଆ ଚକଟା ପାଗ ସହିତ ଦେଶୀ ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ସଜ ପଖାଳ ଥାଳି। ତେବେ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଥାଳିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।